हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग घर का ही ब्लॉग है। आज मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करनी है। इस मंथ मैंने बहुत सारी खरीदारी की है, बहुत ज्यादा शॉपिंग की है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। सो मैं अगर अलग से कोई हॉल वीडियो बनाती तो वो बहुत बोरिंग हो जाता। मैं चाहती थी कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करते हुए, चिटचैट करते हुए मैं ये बनाऊं। सो आपको मैं हालत दिखाती हूँ, पूरा बेड का क्या हाल होके रखा है। देखिए हालत, देखिए कितनी सारी शॉपिंग होके रखी है। आप देख ही सकते हैं ये सारा ऑफलाइन ऑनलाइन सारी की सारी शॉपिंग ये है। कितने सारे सामान है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो मैंने ऑनलाइन जहाँ जहाँ से शॉपिंग की है वो है पर्पल से मैंने शॉपिंग की है और अमेजोन से मैंने शॉपिंग की है। तो पर्पल और अमेजोन से मैंने स्किन केयर के आइटम्स ही शॉप किए हैं, कोई भी उसमें मेकअप नहीं है। और बाहर से मैंने कुछ कपड़े लिए हैं। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अमेजोन से क्या क्या लिया है। और गाइस अभी मुझे प्राइस बिल्कुल भी याद नहीं है किसी भी चीज का, क्योंकि इतने सारे सामान हैं और मैंने कब ऑर्डर किया था, अलग अलग दिन आए हैं। सो मैं आपको स्क्रीन पे प्राइस दे दूंगी, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द प्राइस वर्थ द मनी है, क्योंकि ये सारी ही चीजें जो भी मैंने ऑर्डर की है वो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स की और एकदम केमिकल फ्री है, तो उनकी प्राइस उसी हिसाब से है, आप ज्यादा मत सोचिएगा। तो एक बॉक्स जो है ना, जिस दिन मैंने ऑर्डर किया था ठीक उसके नेक्स्ट दिन ही मुझे मिल गया था। सो ये है वो प्रोडक्ट जो कि है एक रोज वाटर, ये रहा, ये है नेचर्स तत्व का रोज वाटर। और ये गाइस है ना कांच की बॉटल है, ये पूरा आपको केयरफुली हैंडल करना होगा। ये स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बना हुआ है, एकदम 100% प्योर। और स्टीम डिस्टिलेशन आप जानते हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन में जो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होते हैं वो ये हैं। तो आप समझ ही सकते होगे कि कितना रोजेस और कितना वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होके इतना सारा रोज वाटर बनता होगा। और ये जो बॉटल है पूरी यहाँ तक तो फिल नहीं होती, ऊपर तक फिल होती है। थोड़ा सा मैंने यूज कर लिया है इसको और इसका प्राइस है ₹275। मुझे कितने प्राइस में मिला है वो मैं यहाँ दे दूंगी स्क्रीन पे। तो गाइज आई एम सॉरी अगर लाइटिंग की थोड़ी सी इश्यू हो रही होगी, तो क्योंकि मैं यहाँ खिड़की के सामने बैठ के शूट कर रही हूँ तो लाइट कभी कभार अप डाउन हो रही है। बारिश का भी मौसम है, आप समझ सकते हैं कि कभी भी बादल छा जा रहे हैं और कभी भी ऐसे हो जा रहा है। थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा लाइटिंग डिस्टर्बेंस को। सो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं रोज वाटर की बहुत ज्यादा फैन हूँ। मैंने अलग अलग ब्रांड्स के रोज वाटर ट्राई किए हैं, प्योर रोज वाटर की मैं बात कर रही हूँ। एट लास्ट ये मुझे पसंद आया। यस प्राइजी है, बट प्राइस के हिसाब से जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप ही कहीं सोचिए ना कि आपकी स्किन में कोई इश्यू हो जाती है, आप अच्छे से ध्यान नहीं रखते, उल्ट फुल्ट आप कुछ भी बेमतलब का प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगा लेते हो और लास्ट में आपकी जो स्किन है वो खराब हो जाती है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो एटलास्ट स्किन डॉक्टर के पास, एंड फिर वो आपको महंगी महंगी दवाइयां लिख के दे देता है। तो उस समय तो आप महंगी दवाइयां खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो, बट उसके पहले आप क्या करते हो, प्राइस देख के प्रोडक्ट छोड़ देते हो, आप एकदम चीप क्वालिटी एकदम बैड प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हो। तो गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, अभी की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा चेंज हो गई है कि हमारे स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और उसके ऊपर अगर आप बैड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो और आपकी स्किन खराब हो सकती है ना। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज मैंने मंगवाई है वो इस तरह से आई थी, इसका डब्बा इसी तरह से एकदम ऐसे होकर रखा था, बट फिर मैंने उसको ओपन करके देखा तो उसके अंदर ये प्लास्टिक था और प्लास्टिक के अंदर मेरा प्रोडक्ट है। ये है एलोवेरा जेल, आई होप यू कैन सी दिस। ये है ब्लिस ऑफ अर्थ ब्रांड से, ये प्योर एलोवेरा जेल है जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इसमें जो भी प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं वो मतलब सेफ टू यूज ऑन स्किन है। इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं। इसमें है एलोवेरा जूस 99% और बाकी के जो 1% है वो इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। इसकी पैकेजिंग अभी तक मैंने खोली नहीं है, वेट मैं
खोल ही देती हूँ अभी। इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया, मैंने सोचा आपको पहले दिखा देती हूँ। तो ये एक प्लास्टिक की कंटेनर में है, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से सील्ड है, तो अभी मैं नहीं खोलूंगी। ऐसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये पूरा क्लियर एलोवेरा जेल है और इसकी प्राइस है ₹295। काफी ये भी कॉस्टली है, मैं बोलूंगी किसी किसी लोगों के लिए कॉस्टली है ही, जो अफोर्डेबल वाला रेंज है वो अलग होता है, हर किसी के अर्निंग के हिसाब से, है ना। तो हम लोग नहीं बोल सकते किसी को कि ये अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल है ना। हर किसी के लिए अफोर्डेबल की डेफिनेशन अलग होती है। सो ये 100 ग्राम की है, बट ट्रस्ट मी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपको गाइस मैं एक चीज आपको बताती हूँ, आपको एक्सपायरी डेट में लिखा हुआ रहेगा कि 24 मंथ्स या कुछ मंथ्स, बट आपको बाजू में कहीं पे भी दिखेगा कि एक डब्बे को ओपन करके एक सिंबल रहता है, उसमें जो मंथ्स लिखे हुए रहेंगे ना वो है आपके एक्चुअल मंथ्स, जब तक आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। यानी ओपन करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ओपन करने के बाद ही वो यूज होने लगता है और वो जल्दी जल्दी डिटोरिएट होने लगता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ लिखा है 12 मंथ्स, और अगर सील्ड रहता है तो मैन्युफैक्चरिंग से ये 24 मंथ्स तक इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। वैसे ही इस रोज वाटर में भी लिखा हुआ है, रोज वाटर की जो शेल्फ लाइफ है बेस्ट बिफोर 15 मंथ्स फ्रॉम पैकेजिंग, लेकिन एक बार आपने पैकेजिंग ओपन कर ली तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर इसको यूज करना होगा, क्योंकि ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं वो मुझे आज ही डिलीवर हुए हैं, उसमें से फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये। आप सोच रहे होंगे ये क्या है टिन के बॉक्स में, सो ये है, आई होप आप देख सक रहे होंगे, ये है लूम्स एंड वीव्स का वाइल्ड टर्मरिक पाउडर। सो गाइस जो टर्मरिक होती है, यानी हम लोग फेस पे भी हल्दी इस्तेमाल करते हैं, सो जो फेस पे हमारे स्किन पे जो हल्दी इस्तेमाल होती है वो कस्तूरी हल्दी ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। हमारे किचन में जो हल्दी रहती है वो वाली हल्दी हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। हाँ, किचन वाली हल्दी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो आपको वो बेनिफिट नहीं देगी जो आपको कस्तूरी हल्दी देगी। आप लोग जानते ही होंगे कि हर एक नेचुरल चीज की बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल रहती है, जैसे हम लोग आम भी खाते हैं तो आम की कितनी सारी वेराइटीज रहती है ना, अलग अलग वेराइटीज, इनफैक्ट बनाना की भी अलग अलग वेराइटीज रहती है, ठीक है। तो उसी तरह जो हल्दी है ना उसकी भी अलग अलग वेराइटीज रहती है। तो पुराने समय में भी जो लेडीज लोग यूज करा करती थी अपने स्किन में, वो होती थी कस्तूरी हल्दी ही। तो कस्तूरी हल्दी बहुत कॉस्टली भी आती है, तो ये टिन के बॉक्स में आई है, यानी पूरा इको फ्रेंडली इसका पैकेजिंग है। ये मुझे डिस्काउंट में ही मिली है, इसकी प्राइस है ₹249, ये मुझे 200 से भी कम में ही मिल गई थी। सो इसे मैंने ऐसे ओपन कर लिया है, यहाँ पे एक कार्ड रहता है, और ये ऑथेंटिक है कि नहीं इसको आप यहाँ से स्कैन करके चेक कर सकते हो, यहाँ स्कैनिंग के लिए दिया हुआ है। और इसके अंदर इस तरह से आपको मिलेगा, मैंने इसे अभी नहीं खोला है, और आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। सो मैं किसी दिन इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगी। और हल्दी पाउडर है, आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करते हो काफी टाइम तक आपका चलने वाला है ना। सो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये कॉटन पैड्स, जो कॉटन राउंड कॉटन आते हैं ना, फ्लैट कॉटन। तो पहले मैं ट्यूलिप्स ब्रांड के यूज करती थी, ठीक है, तो उसमें आते थे टोटल 50 पीसेस। आप बताइए, एक दिन में आप गुलाब जल लगाते हो, टोनर लगाते हो, तो टोनर 2 बार लगाते हो, एक बार सुबह एक बार शाम के टाइम में आप स्किन केयर करने के वक्त, तो आपके 2 पैड्स वहां लग जाते हैं। उसके बाद अगर आपने मेकअप किया हुआ रहता है तो आपको वो कॉटन से अच्छे से पूरा रिमूव करना होता है, उसमें आपको एक लगता है, मतलब आप हार्डली समझ लीजिए अगर मैक्सिमम आप 3 भी पैड लेके चल रहे हो पर डे, तो आपका 1 मंथ में कितना लग जाएगा, 90। और यहाँ पे एक वाले में 100 कॉटन आते हैं, और इसकी प्राइस भी जो है गाइस बहुत कम है। ये पैक ऑफ 2 जो है ये ₹200 से भी कम में आती है, तो आप समझ सकते हो। और वो जो ट्यूलिप्स ब्रांड की आती है, जो जिसमें 50
कॉटन पैड्स रहते हैं वो आई गेस 70 या 70 रुपीज से भी ऊपर आते हैं, तो आप सोचिए कौन सी किफायती है। एंड इसकी पैकेजिंग रियली बहुत अच्छी है। इसको मैं अभी ओपन नहीं की हूँ, वेट अ सेकंड, मैं ओपन करती हूँ, मैं कैची लेके आती हूँ तब, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं पहले ना जो मेडिकल शॉप से हमें कॉटन मिलती है, जो हमारे घर पे भी अवेलेबल रहती है, मैं पहले वो यूज करती थी, बट मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो कॉटन है हम लोग ऐसे थोड़ा सा ले लेते हैं, इतना सा साइज का हो जाता है, उसके बाद उससे पूछते, एक तो वो ज्यादा जगह कवर नहीं करता, उसके बाद हम लोग उसे अलट पलट करके भी नहीं यूज कर सकते हैं, मीन्स वो गंदा हो जाता है, और अगर ज्यादा गंदा हो जाता है तो फिर हम लोग दूसरा लेते हैं। उससे बेटर है अगर आप इस तरह के कॉटन राउंड्स पे अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप एक साइड से तो अच्छे से पोंछ भी लोगे, फिर सेकंड दूसरे साइड से भी आपको पोंछ सकते हो उसको। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, और ऊपर देखिए, पर यहाँ ओपन ईयर लिखा हुआ है, यहाँ से कट लगाना है, मैं इसको यहाँ से कट लगा चुकी हूँ। के बाद ये जो है इसको आप इजीली ऐसे बंद कर सकते हो, तो बंद करने के लिए आपको एक साइड से ही इसको ऐसे टानना होगा, ओके, ऐसे खुल जाएगा और एक साइड से आपको ऐसे टानना होगा डोरी को। और कॉटन पैड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये देखिए। तो अमेजोन से तो मैंने जितनी शॉपिंग की थी उतनी सब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पर्पल से क्या क्या शॉपिंग की है। पर्पल का फर्स्ट बॉक्स तो ये रहा, नेक्स्ट बॉक्स ये रहा, सो दिखाती हूँ मैं। तो पहला प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में आया है वो है ये एरोमा मैजिक का सनस्क्रीन क्यूकम्बर वाला, जो कि SPF 30 का है, ये 50 ml की पैकेजिंग है, ठीक है। सो ये मैं यूज करती हूँ, यही सनस्क्रीन मैं यूज करती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने स्टॉक के लिए इसको ले लिया है जल्दी, क्योंकि सेल लगी हुई थी बाय टू गेट टू फ्री, इस वजह से मैंने दो सामान के साथ दो सामान फ्री पा लिए, तो इस वजह से मैंने पहले ही ले लिया है, कि खत्म होने के बाद मैं नेक्स्ट मंथ तो लेती ही, एक मंथ मैंने पहले ले लिया, सो यही मैंने किया है। और जो दूसरी चीज भी है वो है अगेन एक सनस्क्रीन, ये क्रीम फॉर्म में होती है गाइस, और ये वाली जो होती है ये जेल फॉर्म में होती है, ये एलोवेरा सनस्क्रीन है जेल, और इसकी SPF है 20 और इसकी SPF है 30, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है UVA UVB, इसमें भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो यस, ये दोनों ही सनस्क्रीन मैं बारी बारी यूज करती हूँ, जिस वक्त मुझे लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी क्रीम बेस की दरकार है, उस समय जब मुझे बहुत ज्यादा टाइम तक बाहर जाना होता है, और नॉर्मली मैं जब घर पे रहती हूँ तो मैं ये जेल वाला यूज करती हूँ, SPF 20 वाला। नेक्स्ट दो प्रोडक्ट जो मैंने अरोमा मैजिक ब्रांड से मंगवाए हैं वो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। सो ये है एक फेस वॉश जो कि है चारकोल फेस वॉश, और एक फेस वॉश है जो कि है स्ट्रॉबेरी फेस वॉश। तो करेंटली मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी वाला फेस वॉश ऑलरेडी है, मैं यूज कर रही हूँ, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने ही वाला है, इसी मंथ हो जाता तो मुझे लेना ही पड़ता, तो मैंने ये ले लिया है। और ये जो चारकोल फेस वॉश है ये मैं यूज करती हूँ, तो ये दोनों मैं बारी बारी यूज करती हूँ, लाइक ये मैं अगर मॉर्निंग में यूज कर रही हूँ तो इसको मैं नाइट टाइम में प्रेफरेबली यूज करती ही हूँ, ताकि नाइट टाइम में जो है पूरी स्किन एकदम डिटॉक्सिफाई हो जाए, या फिर मुझे मेकअप से पहले कोई हैवी मेकअप कर रही हूँ उसके पहले मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए स्किन। तो ये रात को तो मैं इसे यूज करती ही करती हूँ, मतलब नाइट टाइम स्किन केयर में ये वाली फेस वॉश शामिल रहती ही है। और एरोमा मैजिक ब्रांड बहुत अच्छा है, केमिकल फ्री ब्रांड है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये इंडस वैली का एक्ने काल्मिंग जेल, काल्मिंग एक्ने जेल, यानी कि आपको अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो ये जेल आप लगा सकती हो, यानी आपके फेस पे अगर पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बेसिकली ये मॉइस्चराइजर है। क्योंकि आप बोलोगे कि आपने तो एलोवेरा जेल मंगाया, तो कहीं जो एलोवेरा जेल होता है ना ये, वो आप एज अ मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते, आप लगाओगे कुछ देर बाद ना आपकी स्किन खिंची खिंची लगेगी, ठीक है।
तो उसमें उतनी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ये मैं यूज करती हूँ कोई भी DIY में, मैंने कोई फेस पैक बनाया या कोई भी नेचुरल चीज में, मैं इसे एज ए DIY मैं इसे यूज करती हूँ नेचुरल एलोवेरा जेल को। बट मॉइस्चराइजर के लिए तो आपको अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए। इसे मैंने ओपन कर लिया है और यूज भी कर लिया है, आप ये देख सकते हैं हल्की ग्रीन कलर में है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है सी वीड और टी ट्री। तो टी ट्री तो आप जानते ही हैं कि पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम के लिए कितना बेनिफिशियल है। और ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है तो ज्यादा स्टिकी स्टिकी नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये बायोटिक का पपाया स्क्रब। ये छोटी वाली ही ट्यूब मैंने मंगवाई है। सो पर्पल का एक बॉक्स तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट बॉक्स मैं दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट बॉक्स में जो प्रोडक्ट है वो है ये, एक्चुअली ये है चारकोल स्ट्रिप्स। यानी जब ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं ना, हम सबके स्किन में जो पोर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है यहाँ पे। तो मुझे छोटे छोटे व्हाइट हेड्स हो ही जाते हैं, वो मैं देखती हूँ। बट अगर व्हाइट हेड्स को आप समय पे ट्रीट नहीं करोगे तो वो बाद में काले काले छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। सो मैं क्या करती हूँ अपनी स्किन पे, हर एक वीक में या हर 10 दिन में अच्छे से ये स्ट्रिप्स मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। सो यस, इस तरह के स्ट्रिप्स है, इसमें 6 स्ट्रिप्स रहते हैं, 3 पहले बार के लिए, 3 दूसरे बार के लिए, यानी 2 टाइम्स यूज के रहते हैं और काफी अच्छा वर्क करते हैं मेरे स्किन पे, तो वर्क करते हैं जिसकी वजह से मेरे ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स नहीं होते हैं। मैं इन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। सो ये रहे, तो पर्पल की शॉपिंग भी हो गई कम्प्लीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बाहर से क्या क्या खरीदा। सबसे पहले मैं एस्प्लेनेड गई थी। एस्प्लेनेड जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो जानते होंगे, तो मेरी जो सिटी है वो है कोलकाता, तो मैं कोलकाता में रहती हूँ। तो ये सिटी मार्ट से मैंने कुछ शॉपिंग की है। तो सिटी मार्ट से जो शॉपिंग की है, सबसे पहले मैंने ये दुपट्टा लिया है, ये गोल्डन कलर का। एक्चुअली मेरे पास एक कुर्ती है, सिर्फ और सिर्फ एक कुर्ती है जो कि सिंपल नहीं है, हाँ उसमें थोड़ा वर्क किया हुआ है, तो वो रेड एंड हल्का सा गोल्डन में है, तो उसके साथ ये दुपट्टा बहुत अच्छा जाएगा, वही सोच के मैंने लिया था और एकदम मैच खा रहा है। तो ये दुपट्टे की जो प्राइस है वो है 160 रुपीज, और अगर आप बाहर से भी लोगे, इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा है, अगर आप बाहर से भी लोगे तो आपको 150-160 में मिलेगा, बट ये 50% ऑफ में मुझे मिला है 80 रुपीज में। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है एक प्रिटी सा ड्रेस, आप देखिए, आप देख सकते हैं इसके बैक साइड पे ऐसे हुक लगा हुआ है और ये देखिए टैग अभी भी लगा हुआ है, हालांकि मैंने इसको एक बार वॉश कर लिया है पानी में डिटॉल डाल के, 199 का, तो मैंने ये 199 का लिया है, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसके पीछे भी डिजाइन दिया हुआ है, वरना बहुत सारे ड्रेस होते हैं कि सामने डिजाइन दे देते हैं और पीछे प्लेन रखते हैं। सो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइज इसके अंदर ऐसे स्लीव्स भी दिए हुए हैं, तो मैं स्लीव्स लगवा लूंगी। मैं आपको यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी पूरा कि कितना सुंदर ड्रेस है ये, है ना। नेक्स्ट जो मैंने लिया था ये मैंने अपने घर के बाजू के शॉप से लिया था। मैंने लिया है एक शॉर्ट कुर्ती, कॉटन कुर्ती, ये मैंने वॉश कर लिया है बट मैंने इसको वापस कर दिया, ये रहा, अब देख सकते हैं इसके साइड में ऐसे है और ये, और यहाँ पे ना लकड़ी के कुछ लगे हुए हैं ऐसे, बहुत ही सुंदर है। ये शॉर्ट कुर्ती है, ये लॉन्ग कुर्ती नहीं है। आप या तो इसको जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हो या स्कर्ट के साथ, बेसिकली इसे मैंने स्कर्ट के लिए ही लिया है। जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मतलब काफी काफी सुंदर है, काफी खूबसूरत है। थोड़ा सा ना मैं बैक साइड पे ले लेती हूँ कैमरा को, थोड़ा मैं ऐसे उठ रही हूँ तो मेरा सर कट जा रहा है ना। ये रहा वो स्कर्ट, आप देख रहे हो वर्क, आप देखिए ऊपर भी वर्क है और इसमें ऐसे
ये इसमें ना ये डोरी दी हुई है, बट ये काफी ज्यादा ही लंबा हो रहा है मेरे लिए। मैंने पहन के देखा, बहुत लंबा हो रहा है, तो मुझे इसे टेलर से ही इसे कटवाना होगा और मैं इसमें इलास्टिक डलवाऊंगी। सो ये जो आप बैंड देख रहे हो ऊपर की, इतनी चौड़ाई मुझे कटवानी होगी। मतलब इसको मोड़ने के बाद मेरा अच्छे से फिट आ रहा है, जितना होना चाहिए एक स्कर्ट का लेंथ। और ये डोरी मैं रहने दूंगी, क्योंकि डोरी में ऑब्वियसली लटकन है, बस मैं इसमें इलास्टिक भी डलवा लूंगी। और इसको मैं मल्टी वे में यूज कर सकती हूँ, मैं शॉर्ट कुर्ती के साथ पहन सकती हूँ, या फिर मैं किसी ट्रेडिशनल ओकेशन पे मैं इसको ब्लाउज एंड हैवी चुनरी के साथ पेयर अप करके एक लहंगे स्टाइल में पहन सकती हूँ। कुछ भी मैं कर सकती हूँ, मतलब बहुत अच्छा। आप देखिए पूरी गुजराती प्रिंट, और ये वर्क बहुत ज्यादा अच्छा वर्क है। और इस वर्क के हिसाब से इसकी प्राइस मैं बोलूं, मैं बहुत कम में लाई हूँ इसको। मैं इसे धर्मतल्ला से ही लाई हूँ बाहर से। इसकी प्राइस वो लोग बोल रहे थे 400, मैंने उनको फिर बोला कि नहीं मैं 250 में ही लूंगी। फिर उन्होंने वो, मैंने कुछ ज्यादा ही कम बोल दिया, मुझे पता है, बट बार्गेनिंग इसी तरह से होती है। फिर उन्होंने एट लास्ट मुझे ये 300 में दिया। नॉर्मल स्कर्ट्स ही 300 के आते हैं, तो ये मैंने ले लिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी डील थी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैंने वो एक प्लाजो लिया है, ये रहा आप देखिए, ये चिकनकारी वर्क में ये प्लाजो है। मैंने जिसके लिए वो दुपट्टा लिया है ना, उसी कुर्ती के नीचे के लिए मैंने ये इस कलर का प्लाजो लिया है। सो हो गई मेरी शॉपिंग कंप्लीट। सो यस, ये सारी मैंने चीजें ली हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। काफी लंबी हो जाएगी ये वीडियो अगर और मैं बकबक करने लगी, क्योंकि मेरी बकबक तो कभी भी नहीं रुकती है। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।